नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, कैसे संजीव भसीन ने सभी रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया ऊपर के लेवल पे। मैं आपको प्रूफ के साथ आज बताऊंगा कि उन्होंने कैसे ट्रैप किया और अब क्या करना चाहिए जब से 40% गिर चुका है ऊपर के लेवल से। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं नितोष कुमार, स्वागत है आपका द इंजीनियर्स ट्रेड। जैसा कि आप देख रहे होंगे, शेयर ऑलमोस्ट 40% ऊपर से गिरा हुआ है ऊपर के लेवल से। मेरे पिछले वीडियो में मैंने कुछ लोगों पे एलिगेशन लगाए थे, तो कुछ लोगों ने मुझे मेल किया, बोला कि बिना प्रूफ के किसी पे एलिगेशन मत लगाओ। तो ठीक है, आपसे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें वीडियो के अंत में आपको प्रूफ दिख जाएंगे। संजीव भसीन ने बहुत सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया है, और वो भी एक दो बार नहीं, बहुत सारे शेयर में उन्होंने ट्रैप किया है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं पिछले एक महीने का अगर डाटा निकालूं तो उसमें मुझे 10 से 15 ऐसे शेयर मिलेंगे जिसमें रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप है। बहुत खोजने के बाद मुझे कुछ प्रूफ मिले, क्योंकि आप बहुत बुरी तरह से जब गलत होते हो ना, तो आप नहीं चाहते कि वीडियो सब देखे, यूट्यूब पे हो सब देखे, इससे आपकी इज्जत बदनाम होगी। इसलिए आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हो ताकि लोग देखे नहीं, क्योंकि आप मार्केट के दिग्गज हो, लोग गुरु बोलते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत सारे वीडियो को डिलीट भी कर दिया, जिससे लोगों को दिखाई नहीं पड़े कि उन्होंने किस लेवल पर कौन सा कॉल दिया, उनका कॉल कौन सा गलत हुआ। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा लंबी डाटा सेलेक्ट नहीं किया, मैंने बस जुलाई मंथ का डाटा निकाला है और मुझे 4 प्रूफ मिले जिसमें वो सभी को बाय करने को बोल रहे हैं। बेसिकली ये लोग करते क्या है मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नए इन्वेस्टर हो मैं आपको बताता हूँ ये लोग करते क्या है। TV पे आने से पहले ये अपने क्लाइंट को ये स्टॉक सजेस्ट करते हैं, और आप गौर करोगे जैसे ही आप TV पे आके ये बाई करने के बोलते हैं, आप खरीदते हो, एक ऑटोमेटिकली हैवी सेलर एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप मार्केट में न्यू हो तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। बेसिकली ये लोग TV पे आके फ्री कॉल देते हैं, लेकिन इनका घर फ्री कॉल से तो नहीं चलता ना। ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं जो इन्हें पैसे पे करती है कॉल्स देने के लिए। तो पहले ये उन्हें कॉल्स देते हैं, फिर TV पे आके आप लोगों को बोलते हैं कि बाय करो, क्योंकि जब आप बाय करोगे तभी तो इनके क्लाइंट सेल करेंगे ना। अगर आप बाय ही नहीं करोगे तो इनके क्लाइंट सेल कैसे करेंगे प्रॉफिट में। तो आप बाय करोगे, इनके क्लाइंट सेल करेंगे, इनके क्लाइंट प्रॉफिट बुक करेंगे। आपके प्रॉफिट बुक करने से उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके क्लाइंट को प्रॉफिट बुक होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उनसे पैसे लिए हैं। चलिए अब आपको प्रूफ दिखाते हैं, फिर आप समझोगे कि आपको कितनी बड़ी गलती की है आपने इनको फॉलो करके। सबसे पहले ये देखिए, 5 जुलाई को इन्होंने TV पे आके बोला कि 54 के लेवल पर बाय करने को। फिर उनके बाद इन्होंने कुछ दिन बाद 22 जुलाई को 52 के लेवल पे फिर से बाय करने को बोला। अभी कुछ ही दिन हुए थे, क्योंकि 4 दिन ही बाद उन्होंने फिर से TV पे आए और फिर से बोला कि 51 के लेवल पर बाय कीजिए आप। और सबसे लेटेस्ट जो उन्होंने 4 अगस्त को इन्होंने TV पे आके बोला 50 के लेवल पर बाय करने को। और ये बस जुलाई का डाटा है। अगर आप चेक करोगे जून का तो इन्होंने 60 के लेवल पे भी इन्होंने बाय करने को बोला। अभी ये शेयर मतलब कुछ दिनों पहले 41 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, जो कि ऑलमोस्ट मतलब वहाँ से 40% ऊपर से गिरा हुआ है। ये तो बस जुलाई का डाटा है। अगर आप जून का देखोगे तो ये आपको 50 से 60 लेवल पे इन्होंने सजेशन बहुत बार दिया है। मुझे पता है आप लोग न्यू इन्वेस्टर हो तभी आप लोग फंस गए, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन खुद के रिसर्च को वैल्यू देते हैं और फिर किसी के शेयर में जाने से पहले एक अच्छा सा रिसर्च करते हैं, तब उस शेयर में जम मारते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा आपसे, अगर आपका लॉस 10% या उससे नीचे है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, कुछ दिनों में लेट ही सही लेकिन आपको मौका मिलेगा एग्जिट करने का, आप एग्जिट कर लेना। लेकिन आपका एवरेज 10% से ऊपर का है जो आपको लॉस दिखा रहा है, तो मैं आपसे बस एक ही सजेशन दूंगा कि 40-41 के लेवल पे या 42 के लेवल पे जब भी ये शेयर आए आप वहाँ पे एवरेज करो, और अब कोशिश करो कि आपका जो एवरेज है ना वो 50 के नीचे का बन जाए। क्योंकि 50 से नीचे का बनेगा ना तो मुझे 50 से 55 का रेंज दिख रहा है आने वाले कुछ समय में, लेकिन मैं उससे ऊपर का श्योर नहीं हूँ कि वो उससे ऊपर का लेवल कितने दिनों बाद आएगा। तो उतना का लेवल दिख रहा है शायद। CNBC या भसीन साहब का इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने यूट्यूब पे डाला है, तो मे भी हो सकता है मुझे स्ट्राइक भी पड़ सकता है यूट्यूब की तरफ से। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए लोग जो मार्केट में आ रहे हैं उन्हें कुछ सीखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।